दोस्तों आप सबका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत। मैं आपकी बातचीत करवाऊंगा हमारे टैरो कार्ड एक्सपर्ट संजीवनी जी से। जी आइए जानते हैं आपका क्या गुड फॉर्च्यून आ रहा है सारी राशियों का। तो दोस्तों अब बारी आई है लियो की। काफी इंतजार के बाद लियो वाले इतनी देर से इंतजार कर रहे होंगे। तो लियो जुलाई 23 से लेके अगस्त 22 तक, आइए जानते हैं आपके टैरो कार्ड्स क्या कह रहे हैं जुलाई के लियो। तो लियो के लिए हम देखते हैं कि क्या कह रहे हैं लियो के लिए। लियो आपके लिए ये मैं कहूँगी कि कुछ चीज़ों से, कुछ डिफ़िकल्ट टाइम से आप बाहर आए हैं। कुछ चीज़ें जहाँ पर आपको लग रहा था कि यहाँ पर आपको इसके आगे रास्ते नहीं मिलेंगे, वहाँ पर आपको रिलीफ भी आया है, रास्ता भी मिला है। डेफिनेटली इट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट एंड पेनफुल टाइम कुछ चीज़ों के अंदर, हो सकता है रिलेशन में, बिजनेस में, फ्रेंड्स में, मनी वाइज आपको अपने यू हैव बीन स्ट्रगलिंग टू हार्ड। तो आप जिसको स्ट्रगल कर रहे थे लेकिन आपकी एक अच्छी स्पिरिट जो ये है कि यू डिडंट गिव अप एंड यू नेवर गिव अप ऑन थिंग्स। तो ये जो स्पिरिट है ये हमेशा काम करती है। मुश्किल ज़रूर होता है क्योंकि ये कहना आसान होता है कि गिव अप मत कीजिए, लेकिन कुछ चीज़ों के अंदर दिल और दिमाग में जब एक बैलेंस नहीं होता है तो गिव अप करने की सिचुएशन आ भी जाती है। बट हाँ, आप जो भी कर रहे हैं आप बहुत दिल से कर रहे हैं एंड यू आर वेरी कनेक्टेड टू योर इंट्यूशन दिस टाइम। तो कुछ चीज़ों के अंदर जहाँ पर आपको ये लग रहा है कि जो ये आपके साथ में जो ये टफ टाइम है, जो स्ट्रगल का टाइम है, जहाँ पर आपने अभी तक गिव अप नहीं किया है, आई थिंक जुलाई मंथ में जो भी सिनेरियो है या जो भी ड्रामास हो रहे हैं या जो भी डिफ़िकल्टीज आ रही हैं उसके आउटकम जो है, मैं ये देख रही हूँ कि काफ़ी मैं रीडिंग्स भी कर रही हूँ तो आउटकम उसके कहीं ना कहीं पॉजिटिव आ रहे हैं, लेकिन अपना टाइम लेकर आ रहे हैं। तो वैसे भी दिस मंथ इज़ द मंथ ऑफ वूमेंट एंड एडवेंचरस, तो कुछ भी चीज़ों को आप एडवेंचर ही लीजिए कि शायद ये इसमें आप अपने आप को और टेस्ट कर सकते हैं कि कितनी चैलेंजिंग सिचुएशंस को आप कितने अच्छे से निकाल सकते हैं और खुद निकल सकते हैं अपने उसमें से। बट हाँ, आपके लिए फ्यूचर ब्राइट है, सन इज शाइनिंग ऑन यू। बट मैं ये बोलूँगी कि जो भी चीज़ें आ रही हैं आगे आपके लिए तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन हाँ, जस्ट अ बिट मोर इन्फॉर्मेशन, क्योंकि दिखने में काफ़ी एक्साइटेड लग रही हैं लेकिन थोड़ा बाद में आप उसमें बोर हो सकते हैं। तो जब तक आप मेक श्योर ना हो जाए ना, तब तक आप आगे कोई स्टेप मत लीजिए, क्योंकि कोई कुछ चीज़ों में जहाँ पर दो एनर्जीज़ में आप अपने आप में फील कर सकते हैं। एक तो कि चीज़ें बहुत जल्दी आ रही हैं और आपको पुश कर रही हैं कि आप वो काम कीजिए, और कुछ चीज़ों के अंदर ये आ रहा है कि जहाँ पर आपको जो करना है उसमें ही आपको हेल्प मिल रही है। तो वेन एवर यू चूज़ योर डायरेक्शन, चूज़ वाइजली। न्यू डायरेक्शंस आ रही हैं, जो आप काम जिस तरह से कर रहे हैं अब तक, आप उसको छोड़ के डेफिनेटली दूसरी डायरेक्शन में मूव होंगे। बट वो डायरेक्शंस जो हैं वो आपके लिए और ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस भी लेकर आएंगे। तो कई बार ये होता है कि हम हर काम को करते हैं तो उसमें जो एक्सपीरियंसेस मिलते हैं वही हमें डिसाइड करते हैं आगे के लिए कि अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा।